हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सबसे सस्ता सबसे बढ़िया फेशियल। ये फेशियल आपकी स्किन की डलनेस को, डार्कनेस को, टैन को, अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन व्हाइटन एंड ग्लोइंग हो जाए, डलनेस वगैरह रिमूव हो जाए, तो ये फेशियल बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये ग्लो देख रहे हैं आप मेरे फेस पर, ये किसी मेकअप का कमाल बिल्कुल भी नहीं है, ये कमाल है मेरे कॉफी फेशियल का जो आज और अभी किया है एंड बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिला है मुझे। ग्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया है स्किन का और टैन भी रिमूव हो गया है। ये फेशियल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इंस्टेंट ग्लो लाता है, तो सोच क्या रहे हैं घर में कॉफी तो होगी, तो जल्दी से करते हैं कॉफी फेशियल। आपको अगर किसी फंक्शन में जाना है और आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है पार्लर जाने का, तो ये फेशियल जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आप पार्लर का महंगे से महंगा फेशियल भूल जाओगे इस फेशियल को करने के बाद, ग्लो जो है वो भर भर के आएगा और आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना मेरी मोटिवेशन के लिए, मेरी इंस्पिरेशन के लिए। और आपने अगर लाइक कर दिया है मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं। ये जो कॉफी फेशियल है ये ऑल टाइप स्किन वालों के लिए है, ये सभी एज ग्रुप वाले कर सकते हैं। विंटर सीजन में हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है और ये कॉफी हमारी स्किन को हाइड्रेट भी करता है। यहाँ आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज्यादा डल हो गई है इस टाइम पर। सो फर्स्ट स्टेप होता है क्लींजिंग, तो यहाँ पर मैं रॉ मिल्क ले रही हूँ यानी कि कच्चा दूध। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप फ्रिज का ठंडा दूध भी ले सकते हैं। अब इसमें कॉटन बॉल डिप करूंगी और अपने फेस को अच्छे से क्लीन करूंगी सर्कुलर मोशन में। ये हमारी स्किन की डस्ट को रिमूव करेगा और हमारी स्किन को डीप क्लीन करेगा। 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से करना है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है, वसा होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन ए, डी, B12 पाया जाता है जो हमारी त्वचा में निखार लाता है और डस्ट और डर्ट इम्प्योरिटी को रिमूव करता है। सेकेंड स्टेप है फेशियल, तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून कॉफी पाउडर ले रही हूँ। इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून चीनी, आप चीनी को मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून दही। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है और जो टेक्सचर है वो बिल्कुल थिक नहीं होना चाहिए। हमारा ये फेस पैक बनकर रेडी हो गया है। अब इसको अप्लाई करेंगे अपने फेस पर, तो यहाँ पर मैं ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पर अप्लाई करूंगी। अप्लाई करने के बाद अब मैं इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि स्किन अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए, इसको ड्राई बिल्कुल नहीं होने देना है। 2 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसे सर्कुलर मोशन में रैप करूंगी। सो गाइस, ये फेस पैक बहुत अच्छा है, आपको इसी तरह से मसाज करना है सर्कुलर मोशन में। आप जितना ज्यादा मसाज करोगे उतना ज्यादा ग्लो आएगा। गाइस, कॉफी और चीनी का जो मिक्सर है ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ग्लोई कर देगा और जो चीनी है वो मॉइस्चर देने में बहुत अच्छा है क्योंकि ये मॉइस्चर को लॉक कर देता है आपकी स्किन में। दही हमारे फेस से काली परत को निकालता है और दाग धब्बों को रिमूव करता है। अगर आपके डार्क सर्कल है, फाइन लाइन है, रिंकल्स हैं, तो कॉफी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा डार्क सर्कल को रिड्यूस करने में। 5 मिनट तक मैं ऐसे ही मसाज करती रहूंगी। अब इस पर एक लेयर और अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 10 मिनट वेट करें। जब ये अच्छे से सूख जाए तो उसके बाद आपको वार्म वाटर से वॉश कर लेना है। आप चाहो तो नॉर्मल वाटर से भी वॉश कर सकते हो, लेकिन ठंडा पानी नहीं यूज करना है। वार्म वाटर के साथ इसको वॉश कर ले अपने फेस को, बहुत ही अच्छे से निखार जो है वो आपको खुद देखने को मिलेगा। आप इसे हफ्ते में 3 बार लगा सकते हो। सो गाइज, आप देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है, कॉम्प्लेक्शन मेरा बहुत ही क्लियर हुआ है और आप पहले देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज्यादा डल थी, कितनी ज्यादा डिहाइड्रेटेड थी, लेकिन अब आप देख सकते हो पूरी तरह से मेरी स्किन हाइड्रेटेड लग रही है और जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत ही अच्छे से फेयर हुआ है। स्किन मेरी काफी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, मेरी स्किन जो है वो रिफ्रेश ही लग रही है और मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है। आप देख सकते हो मैंने सिर्फ लिपस्टिक वेयर किया, उसके अलावा मैंने अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, तो कॉम्प्लेक्शन बहुत ही ज्यादा फेयर हुआ है, स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गई है। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।